Yes, am I connected? All the people, am I connected? Please tell me. I'm just checking, am I connected or not? Seems to be connected. Kindly comment and tell me, am I connected or not? Hello people, everybody, so those who are here for live sessions. Yes, hello to all of you, Karan, Tripti, Arav, Garvit, Sai Lakshmi, Shrikant, Himakshi, hello to all of you, Sajal, Vinay, Tanwar, Hina, Vandana, very welcome to all of you. Might be recalling the last session. आप सभी लोग last sessions के अंदर में थे, if I'm not wrong. और सभी लोग assessments को देख रहे हैं. जो लोग नए आए हैं और पहली बार assessments को देख रहे हैं, yes, मैं आपको बोल दूं कि आप लोगों ने पहले के assessments topic देख लिए होंगे. पिछले दो sessions में नहीं ले पाया था, कल और परसों, because of परसों के दिन तो light fluctuation थी, जिसका update मैंने आपको telegram पे दे दिया था. और कल तो मेरा नेशनल हॉलीडे था, मेरी धर्म वाली पत्नी का बर्थडे था, तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाता था कल के दिन. सो यस, एक चीज मुझे बहुत जरूरी थी. साउंड सभी को प्रॉपर आ रहा है? वॉल्यूम कम आ रहा है? लेट मी चेक विद द वॉल्यूम फर्स्ट. ओके, सो नाउ वॉल्यूम इज ओके एवरीबॉडी. नाउ वॉल्यूम इज ओके. थैंक यू सो मच लक्ष. कैपिटल गेन के रिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे. नेपाल से भी दोस्त जुड़े हुए हैं. थैंक यू निशांत, थैंक यू सो मच. आई थिंक अब प्रॉपर आ रहा है, और जिसको आवाज नहीं आ रही प्लीज ईयरफोन लगा लीजिए. चलो लेट अस स्टार्ट फटाफट. और आपके जितने भी दोस्त होंगे, ये रिवीजन सेशन असेसमेंट के बारे में है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए विशाल भट्ट सर को या वी स्मार्ट अकेडमी को, जो ये रिवीजन सेशन के लिए हम लोगों को इंस्पायर करते हैं. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, आगे बढ़ा रहे हैं. साई हम लोग डेफिनेटली सर्च एंड अदर चैप्टर्स भी ले रहे हैं. मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ये रिवीजन किस किस के लिए है. ये सीए फाइनल, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाइनल वालों के लिए है, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी ये टॉपिक्स है. तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है. ये पूरी असेसमेंट प्रोसीजर की सीरीज है, जिसके मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं. अगर आप आज आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग क्या करें, पहले के असेसमेंट्स देख लें. क्योंकि जब मैं असेसमेंट्स कराता हूं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली कराता हूं, और ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो ये लिंक आपकी ना टूटे, इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देख लीजिए और फिर इसे देखिएगा, इसका ज्यादा महत्व रहेगा. हालांकि मैं आज नया टॉपिक चालू भी कर रहा हूं, तो आप यहां से भी कनेक्टेड होंगे, तो यहां से आगे का तो समझेगा, लेकिन पीछे की लिंकिंग आपकी जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सब आप जोड़ दें. अच्छा जी, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया टीचिंग को, थैंक यू सो मच. वी स्मार्ट हमेशा ये हर टीचर के तहत एक्सपेक्ट करता है, स्पेशली जो फाइनल्स में पढ़ा रहे हैं, इंटर में पढ़ा रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है. बच्चों की वी स्मार्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, राइट. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं. लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, असेसमेंट हमने खत्म किया था. मैं आपको असेसमेंट का चार्ट एक बार फिर से दिखा देता हूं और फटाफट क्विक रिवीजन करवा देता हूं, राइट. सबसे पहले घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, असेसी सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरेगा. सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने के बाद ये क्या भरेगा बेटा, रिटर्न ऑफ इनकम. ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने कर लिया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम लोगों ने फर्स्ट इसमें पढ़ा था इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये रिटर्न जब जाएगा या तो ये सीएएसएस में जाएगा या तो ट्रेसेस में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस. इसका समरी असेसमेंट होगा. समरी असेसमेंट होने के बाद एओ डिसाइड करेगा क्या इसके ऊपर असेसमेंट करनी है या असेसमेंट नहीं करनी है. अगर असेसमेंट करनी है तो वो कुछ लोगों से क्या करेगा, रिटर्न भरवाएगा, और कुछ लोगों को क्या बोलेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए. जो इंफॉर्मेशन उस तक के आई है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वर्क करके या तो डिपेंड करेगा उसे असेसमेंट इंफॉर्मेशन जो सबमिट की है ये समझ आई या नहीं आई.
अगर उसे समझ आ गई, अगर उसे समझ में आ गई तो 143(3) का असेसमेंट होगा, अगर उसे समझ में नहीं आई तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में भी वो जा सकता है, या फिर आपको ऑडिट करवाने बोल सकता है, या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाकर के वैल्यूएशन की बात कर सकता है। ठीक है, असेसमेंट दो ही प्रकार की, या तो 143(3) या तो 144, और इसके तहत वो क्या निकालेगा, ऑर्डर। ऑर्डर अगर आपको पसंद आया तो दो बातें होंगी, या तो आप इस ऑर्डर को पे करके खत्म कर देंगे, या इस ऑर्डर से आपको कोई ग्रीवियंस आ रहा होगा तो या तो आप अपील में जाएंगे, रिविजन में जाएंगे, या रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, जो भी जैसा भी। इन फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है एसएससी के खिलाफ कुछ बड़ा मिले, कुछ छोटा मिले। अगर कुछ छोटा मिल रहा है तो उसका रीअसेसमेंट होगा, कुछ बड़ा हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ सर्च इनिशिएट किया जाता है। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस थी जिसके अंदर में हम लोग ने ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटीज का टॉपिक खत्म कर दिया, रिटर्न ऑफ इनकम का खत्म कर दिया, असेसमेंट प्रोसीजर का हम लोगों ने खत्म कर दिया। याद होगा आपको असेसमेंट प्रोसीजर पे हम लोग सारे सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, एक लास्ट सेक्शन 153 पे थे, मैं 153 पे वापस आ रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप बैर एक्ट उठा करके देखेंगे तो 153 एक बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं 153 को अगर कैटेगराइज करने जाऊं तो ये मोर देन 6 सबसेक्शंस का गेम है। वापस से सुनिए, 153 को अगर आप बैर एक्ट से पढ़ेंगे तो ये मोर देन 6 सबसेक्शंस का गेम है। लेकिन क्या ये सारे सबसेक्शंस आपको एक साथ पढ़ लेने चाहिए? माय आंसर इज नो। जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए, कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑथर से पढ़ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझसे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है फर्क नहीं पड़ता, आप इस रिविजन को कंप्लीटली एंजॉय कर पाएंगे। आपको अगर लग रहा है नहीं कर पाएंगे तो आप बच्चे कमेंट ऑलरेडी बता देंगे। चलो ध्यान से सुनना, 153 को क्या हमने पूरा एक साथ पढ़ना चाहिए? माय आंसर इज नो। 153 को आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, 153(3) के आगे ऐसे टाइम लिमिट्स कवर हो जाते हैं जहां पे आपको असेसमेंट की, दैट इज रिविजन की, अपील की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जब आप 153 पढ़ रहे हैं असेसमेंट तक की, या जहां तक के मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट प्रोसीजर में, मैंने आपको तो अभी तक के कहां तक के पढ़ाया, असेसमेंट प्रोसीजर तक के, तो यहां तक के आपके लिए सिर्फ 153(1) काम का है या 153(2) काम का है? 153(3), 153(4), 153(5), ये सब आपने कब पढ़ना चाहिए, इसका सही पढ़ने का टाइम लिमिट आता है आगे, कहां? अपील और रिवीजन के बाद। क्योंकि जब अपील और रिवीजन आप पढ़ेंगे, वहां पे एक ऐसा पावर है जो घुमा फिरा के आपको वापस कहां लेके आएगा, असेसमेंट में लेके आएगा। और इसी के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 153 जब आप पढ़ेंगे, चाहे आप बैरक से ही क्यों ना पढ़ रहे हो, पहला और दूसरा ही पढ़े इस टाइम लिमिट तक के। चलिए, बहरहाल पहला और दूसरा किस बारे में बात करता है, पहला और दूसरा किस बारे में बात करता है, हम आ जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बात करता है 153 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 143 143 143 143। कौन सा असेसमेंट है, जरा याद दिलाने वाला, 143 कौन सा असेसमेंट है? स्क्रूटनी असेसमेंट है, और 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। इसको कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है? 12 months। जी हाँ, ये टाइम लिमिट अरुण जेटली साहब ने बदल दिया था, और इसको बदलने के पीछे बहुत अच्छा लॉजिक था। अगर आप आज भी बैर एक्ट उठा करके देखेंगे तो आपको तीन टाइम लिमिट्स मिलेंगे, एक नोटिस जो 2018 से पहले इशू हुआ है, असेसमेंट ऑर्डर जो असेसमेंट ऑर्डर 2018 से 2019 के बीच में हुआ है, और जो असेसमेंट ऑर्डर 2019 के बाद इशू हुआ है। ऐसे तीन टाइम लिमिट आपको बैर एक्ट में अलग अलग देखने को मिलेंगे, या जब आप इंटरनेट या गूगल से पढ़ रहे होंगे तो ऐसे तीन टाइम लिमिट आपको देखने को मिलेंगे। क्या हमने ये तीन टाइम लिमिट पढ़ने चाहिए? माय आंसर इज नो। आपको सिर्फ 1/4/2019 के बाद वाला टाइम लिमिट याद रखना चाहिए, दैट इज 12 months। अरुण जेटली साहब ने सबसे बेहतरीन काम यह किया कि आपके असेसमेंट्स को जो टाइम लिमिट थे, इसको पूरा का पूरा कॉमन कर दिया फॉर ऑल टाइप ऑफ असेसमेंट, बी इट अ स्क्रूटनी असेसमेंट, बी इट अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और बी इट अ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इसके टाइम लिमिट्स तीनों के लाके रख दिए 12 months। पहले बच्चा बिलीव में इतना कंफ्यूज होता था कि कहीं पे 21 months लिखा है, कहीं पे 18 months लिखा है, कहीं पे 9 months लिखा हुआ है, और जब से अरुण जेटली साहब आए, उन्होंने बोला यार ये इतने टाइम लिमिट हटाओ, हम सिर्फ एक कॉमन टाइम लिमिट रखेंगे, 12 months। सो 12 months आप लोगों को याद रखना है। ये अमेंडमेंट का पार्ट भी है फॉर द पर्पज ऑफ May 20 एंड November 20, राइट? सो ये अमेंडमेंट का पार्ट भी है, और ये अमेंडमेंट का पार्ट आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ये 12 months कहां से। सो पहला अमेंडमेंट जो आपको याद रखना है वो 19 के आगे जो असेसमेंट ऑर्डर पास होंगे वो कब तक के कंप्लीट करने हैं, वो कंप्लीट करने हैं 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जो भी असेसमेंट ईयर है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 12 month आपको क्या करना है, काउंट करना है। ये टाइम लिमिट इंक्रीज हो जाता है अगर अगर क्या कर रहे हैं आप, टीपीओ के पास जा रहे हैं। सो अगर ये मैटर टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास गया है तो ये जो टाइम लिमिट है ये 12 month से क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। ये टाइम लिमिट
लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड। सो जरा ध्यान से सुनिएगा, वापस से एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना पूरी मेरी बातों को। 143, 144 टाइम लिमिट क्या है? 143, 144 का टाइम लिमिट बड़ा सिंपल है साहब। क्या टाइम लिमिट है सर? सर टाइम लिमिट इज स्ट्रेट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कहां से काउंट करेंगे सर? 12 मंथ्स आपको काउंट करना है कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए। So, अगर मैं बात करूं 153 के कितने सबसेक्शन है, मेरे साथ सब लोग एक जबरदस्त चार्ट बनाएंगे, ये चार्ट आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सब लोग मेरे साथ एक फटाफट चार्ट बनाना, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, एंड बिलीव मी आपने ये चार्ट कभी नहीं बनाया होगा, पर ये चार्ट बना लीजिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जब तक हम यहां पे असेसमेंट पढ़ रहे हैं, यहां पे आपके तीन ही सबसेक्शन काम आएंगे, स्पेसिफिकली 1 और 2, 3 तो खैर इसका पार्ट है जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, 4, 5, 6 आपको बाद में काम आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा 153 में कितने सबसेक्शन है, 6 सबसेक्शन है, मैंने मोर देन 6 इसके पहले बोला था विद कवरिंग द एक्सप्लेनेशन। सो वर्ड देखिएगा, मेरे साथ एक फटाफट चार्ट बनाओ, आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे उसमें ये चार्ट पेस्ट कर देना, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं और चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। सो अगर मैं 153 की बात करूं, तो यहां पे तीन पार्ट, 153 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसेक्शन कवर करता है। सबसे पहला जो सबसेक्शन है ये कवर करता है टाइम लिमिट फॉर 143, 144। सो अगर हम बात कर रहे हैं 153 1 की, सो 153 1 बात करता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144। सबसेक्शन 2 किस बारे में बात करता है? सबसेक्शन 2 हमसे बात करता है टाइम लिमिट फॉर 147। तो ध्यान से सुनना, सबसेक्शन 1 हमसे बात करता है टाइम लिमिट फॉर 143, 144, दूसरा हमसे बात करता है टाइम लिमिट फॉर 147, तीसरा हमसे बात करता है सेट असाइड असेसमेंट अगर असेसमेंट सेट असाइड कर दी जाए तो क्या होगा, चौथा हमसे बात करता है टीपीओ रेफरेंस, अगर मैटर टीपीओ को रेफर हुआ तो जो टाइम लिमिट 12 मंथ से एक्सीड करता है ये बात करता है सबसेक्शन 4। फिफ्थ सबसेक्शन बात करता है टाइम लिमिट टू गिव इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ अपील ऑब्लिक रिविजन, और सिक्स्थ सबसेक्शन हमसे बात करता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। Order of court. तो मेरे सभी दोस्त सबसे पहले 153 को इस कैटेगरी में डिवाइड कर लें। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि अब तक आपने 153 को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। बिलीव मी, इस तरीके से आप चल जाइए, आप कभी टाइम लिमिट गलत नहीं हो सकते। टाइम लिमिट हमें सिर्फ इस चैप्टर के लिए याद नहीं रखना है, टाइम लिमिट हम लोगों को याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ पेनल्टीज एज वेल। तो 153 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार इसे बना लें आपका काम हो जाएगा। So 153 छह पार्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले टाइम लिमिट आता है 143, 144 का, दूसरे सबसेक्शन में आता है 147 का, तीसरे में आता है सेट असाइड असेसमेंट का, चौथे में आता है टीपीओ रेफरेंस, पांचवे में आता है इफेक्ट ऑफ अपील एंड रिविजन, एंड छठवे में आता है ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। डन सर, आ जाइए अब हम बात करते हैं थोड़ी से आगे। सबसे पहले टाइम लिमिट बात करते हैं 153 1 की। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं आपसे 153 सबसेक्शन 1 की, तो आप मुझे बताइए ये किस बारे में बात करता है। जब भी मैं आपसे 153 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कभी भी पूछूंगा, ये पेज पे आपको वापस आना है। 153 1 बात करता है टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट, टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट अंडर 143 सबसेक्शन 3 एज वेल एज 143 सबसेक्शन 3 एज वेल एज 144 इसकी बात करता है साहब। राइट,
कितना टाइम लिमिट दे रहे हैं सर? इसको टाइम लिमिट दिया है, नया अमेंडेड टाइम लिमिट है इनके लिए 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो जो भी आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा, आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा, वहां से 12 मंथ्स के अंदर में आपको क्या कंप्लीट करना है, असेसमेंट कंप्लीट करना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप 153.1 पढ़ रहे हैं या 153.2 पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ 153.4 साथ साथ में आएगा ही चिपक के। 153.4 क्या कह रहा है, इस टाइम लिमिट के अंदर में आपको क्या कर देना है, 12 मंथ्स और ऐड कर देना है अगर मैटर किसको रेफर हुआ है, टीपीओ को रेफर हुआ है। अगर मैटर किसको रेफर हुआ है, टीपीओ को रेफर हुआ है, तो सिंपल बात है, जनरल असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और इसमें 12 मंथ्स और ऐड कर देना है किस हिसाब से, 153 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, अगर मैटर किसको रेफर हुआ होगा, टीपीओ को रेफर हुआ होगा। व्हाट इज टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, हम पेपर 6C या ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के अंदर में ये पार्ट पढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट रेफर। अब आ जाते हैं हम लोग 153 सबसेक्शन 2 के अंदर में। 153 सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 147। इससे कोई भी डरने की बात नहीं है, टाइम लिमिट से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगेन जब आप 147 उठा करके देखेंगे तो आपको तो याद होगा, जब हम 147 का असेसमेंट करते हैं तो नोटिस अंडर 148 इशू करना बहुत मैंडेटरी है। नोटिस अगर इशू नहीं किया तो असेसमेंट अंडर 147 क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, वॉइड हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। अब आते हैं आगे, ठीक है, आते हैं आगे। 147 का टाइम लिमिट क्या देता है, टाइम लिमिट है बदल गया, यहां पे भी अब क्या ला दिया है उन्होंने, जो भी रहेगा वो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इशूड। सो आप तो जानते ही हैं, 147 का असेसमेंट करने के लिए हमें नोटिस देनी होती है किसके अंदर में बेटा, 148 के अंदर में। तो जिस साल भी आपका 148 इशू किया गया था उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 12 मंथ्स के अंदर आपको 147 का असेसमेंट कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सिंपल बातों में हमने कर दिया 153.1, 153.2। मुझे कोई बच्चा पूछेगा क्या यहां भी 153.4 आएगा, एंड द आंसर इज यस, यहां भी 153.4 आएगा। 153.4 क्या कहता है, मेरे सब बच्चों को रट जाना चाहिए 153.4 क्या कहता है। 153.4 कहता है यहां पे इंक्रीज हो जाएगा 12 मंथ का अगर मैटर किसको रेफर किया गया है, टीपीओ दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अगर मैटर रेफर किया गया होगा, तो ये और कितने से एक्सीड हो जाएगा, बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। यस और नो, ओके। तो मेरे सभी दोस्तों को मैं बता दूं, फटाफट बता दूं कि आप लोगों ने अब तक 153 के कितने सबसेक्शन किए, 153.1, 153.2, 153.4। अब आप लोग क्या करेंगे, 153 को बस इतना ही यही रख देंगे और आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर की ओर। इसका रीजन ये है कि इसके आगे के जो सेक्शन है, आप अगर ऊपर जाकर के भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेट असाइड असेसमेंट हम यहां नहीं पढ़ना चाहिए, सेक्शन भले यहां दिया है पर जरूरी नहीं जो कुछ सेक्शन में दिया है वो हमें यही पढ़ना है, शांति रखिए, हम लोग पढ़ लेंगे। 153.3 बाकी है, 153.5 बाकी है, 153.6 बाकी है। ये तीनों सब सेक्शंस को हम लेकर के आएंगे कब, जब आपका अपील और रिवीजन खत्म हो जाएगा, मैं उस टाइम आपको फिर से यहां पे जंप करवाऊंगा कि आपका अगर एक बार अपील और रिवीजन में मैटर चला गया और वहां से आपका असेसमेंट को सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट का डायरेक्शन आ जाता है, तो जो फ्रेश असेसमेंट करने का टाइम लिमिट है वो दिया हुआ है 3, 5 एंड 6 के अंदर में, इसीलिए मैं वो यहां पे नहीं करवा रहा हूं। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने चालू किया था 140A से लेकर के 142, 143, 144, 147 एंड 147 से लेके 153 तक की सीरीज। और यहां हम लोगों का क्या होता है, असेसमेंट होता है ओवर। और अब हम चल रहे हैं आगे। सभी लोग यहां पे आ जाइए, जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा
आप जितने भी बच्चे हैं, आपको जितने भी डाउट हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सभी को पता है जिन्होंने पिछले 4 सेशन अटेंड किए हैं, मैं सीधा आखिरी के 15 मिनट डाउट सेशंस के लिए रख देता हूं। तो आओ मेरे साथ पढ़ो और डाउट सेशन हम लोग 15 मिनट बात करेंगे। आपको तारीफ करना है, डाउट करना है, जो कुछ करना है हम बाद में करेंगे, अभी हमको सिर्फ पढ़ना है, ये बात का याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, इस टॉपिक से रिलेटेड दो केसेस, तीन केसेस हम लोग यही देख लेते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ये बुक्स बाय कर सकते हैं। मैंने आपको जवाब वहां पे भी दिया, मैं यहाँ पे भी देना चाहता हूँ। जो इन बुक्स को बाय करना चाहता है, यस वी स्मार्ट अकेडमी पे जाके आप अभी बुक्स बाय कर सकते हैं। जब आप बुक्स बाय करेंगे, एज ऑफ नाउ आपको पीडीएफ कॉपी मिलेगी बुक्स की, और जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो हम लोग फिजिकल कॉपी भेज देंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन रिविजन, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का इसे रिलेटेड है, राजेश जावेरी स्टॉक ब्रोकर। अब इतना सेंसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। एवेंटेस फार्मा का केस देखिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या रीअसेसमेंट ओपन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ओपिनियन? आंसर इज नो। ये केस मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखा है ये बताने के लिए, क्योंकि जब आप अपने मॉड्यूल रेफर करेंगे तो उसके अंदर ये केस आपको बहुत बार दिखेगा, बट अब ये सेट जजमेंट है और हमने 148 के अंदर में कर दिया है। हमने तीन टॉपिक यहां तक के खत्म किए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट प्रोसीजर। आज मैं चौथे टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं और मेरा चौथा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। तो सब लोग आ जाओ फटाफट, रेक्टिफिकेशन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेक्टिफिकेशन का सेक्शन है सेक्शन 154। जब इस टॉपिक को देखोगे आप मॉड्यूल के अंदर में, इस टॉपिक को असेसमेंट प्रोसीजर के नाम से रखा गया है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है और कई इंपॉर्टेंट चीजें इसके साथ आती है। रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, राइट? अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन 154, क्या कोई अमेंडमेंट दिख रहा है? आंसर इज नो। छोटा सा मोटिवेशन दे देता हूं, ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती, दो चीजें जरूरी होती है, पहला आपने देखना कि मुझे ये करना और दूसरा उसके लिए मेहनत करना। 154 रेक्टिफिकेशन, 154 क्या है बेटा? रेक्टिफिकेशन है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, रेक्टिफिकेशन, गलती होती है, यस गलतियां हो सकती है, और उस गलती को सुधारने का मौका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देता है 154 के रेक्टिफिकेशन के हिसाब से। ये रेक्टिफिकेशन नाम का टॉपिक लाया क्यों और इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए आज के जमाने में कंप्यूटर है, ह्यूमन एरर्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन पहले ह्यूमन एरर्स बहुत ज्यादा होते थे। जब ह्यूमन एरर्स बहुत ज्यादा हो जाते थे तो इनकम टैक्स में कहीं पे भी इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता था। कई बार ऐसा होता था कि असेसी की तरफ से गलती हो जाती थी, कई बार ऐसा होता था डिपार्टमेंट की तरफ से गलती हो जाती थी, और कहीं पे भी कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इन गलतियों को सुधारा जा सके। और इसको सुधारने के लिए या सुधारने का एक मौका देने के लिए एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, एक सेक्शन के साथ, जिसको कहा गया 154। कई बच्चे हमसे कहते हैं 154 और 155 कनेक्टेड है, आंसर इज नो। 154 इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेक्शन। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन किस चीज का हो सकता है सर? किसी भी ऑर्डर का भी हो सकता है और किसी भी इंटीमेशन का भी हो सकता है। यहां मेरे साथ हर बच्चा रुक जाए, मैं बहुत जबरदस्त बात कहने वाला हूं। किसी भी ऑर्डर का भी हो सकता है, किसी भी इंटीमेशन का भी हो सकता है। वापस एक बार बोलिए मेरे साथ, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर का भी हो सकता है, इंटीमेशन का भी हो सकता है। वापस बोलिए मेरे साथ एक बार, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर का भी हो सकता है, रेक्टिफिकेशन इंटीमेशन का भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब कौन सा? जो एओ ने पास किया होगा, असेसमेंट ऑर्डर 143, 144, 147 असेसमेंट ऑर्डर्स प्लस आपका इंटीमेशन। अब तक के आपने एक ही तो इंटीमेशन पढ़ा है 143(1), लेकिन आज मैं आपको इनकम टैक्स के तीन इंटीमेशंस के बारे में सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इनकम टैक्स के अंदर में मेरा हर बच्चा यहां से समझ ले, समय आने पे और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। इंटीमेशन, इस धरती पे, इनकम टैक्स की धरती पे इंटीमेशन तीन है, मेजर इंटीमेशन 143(1), 200A, 206CB। ये तीन सेक्शन को याद रखो, पहले ये तीन सेक्शन को याद करो। इंटीमेशन तीन प्रकार के हैं, इंटीमेशन तीन प्रकार के, 143(1), 200A, 206CB। ध्यान से सुनिए, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अब मैं आपको इतना जबरदस्त मजा देने वाला हूं, जिनने पिछले ये चार असेसमेंट के टॉपिक पढ़े उसको यहां से अल्टीमेट मजा आएगा। ध्यान से सुनना,
मेरे भाई जब तूने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, ये रिटर्न कहाँ जाएगा? सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट के अंदर में, राइट, समरी असेसमेंट के अंदर में जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के बाद समरी असेसमेंट होगा। समरी असेसमेंट के बाद क्या निकलता है बेटा? इंटीमेशन 143(1) का। सो 143(1) का इंटीमेशन कब आता है? जब असेसी ने क्या फाइल किया हो? रिटर्न ऑफ इनकम। सो रिटर्न ऑफ इनकम जब आप सिस्टम में डालते हैं, CASS सिस्टम के अंदर में इसका प्रोसेसिंग होता है और 143(1) निकलता है। उसी तरीके से आप TDS का रिटर्न डालते हैं। TDS का रिटर्न बताओ कहां जाता है? ट्रेसेस, याद आया क्या? तो TDS का रिटर्न जब आप डालते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह 143(1) में आपका समरी असेसमेंट होता है, TDS रिटर्न का भी समरी असेसमेंट होता है, और ये 200A आपका इंटीमेशन जनरेट होता है। और मैं आपको बताऊं 200A आपको कहां पढ़ने मिलेगा? जब आप TDS का टॉपिक पढ़ोगे वहां पढ़ने मिलेगा, लेकिन उसका कनेक्शन यहां है। इस तरीके से सेट करके पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तीसरा, आपको तो याद होगा कि आप लोग अपने TDS के साथ साथ TCS का रिटर्न भी भरते हैं। याद है, हम हमारे ऑफिसेज में बाय द एंड ऑफ द मंथ TCS का रिटर्न भी भरते हैं। यस, जो TCS का रिटर्न आप भरते हैं, अगेन वो ट्रेसेस की वेबसाइट पे जाता है और ये भी प्रोसेस होता है। ये भी क्या होता है? प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेसिंग कहां आती है सर? ये प्रोसेसिंग आती है 206CB में। मैं आपको बता दूं, तीनों सेक्शन सेम तरह की प्रोसेसिंग करते हैं विद डिफरेंट एक्रेडिट्स इनके अंदर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर दिए हैं। हालांकि तीनों भी क्या इशू करते हैं? इंटीमेशन ही इशू करते हैं। सो रिटर्न का प्रोसेसिंग हुआ 143(1) आएगा, TDS रिटर्न का प्रोसेसिंग हुआ 200A आएगा, TCS रिटर्न का प्रोसेसिंग हुआ 206CB आएगा। जबकि पहला टॉपिक आपको असेसमेंट टाइप के अंदर में देखने को मिलता है, बचे हुए दो चीजें आपको TDS TCS के चैप्टर में देखने को मिलती है। और तीनों के अंदर के वर्डिंग्स बिल्कुल सेम है। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम ढूंढना और फाइनल टैक्स पेबल निकालना, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर सम के साथ, जगह जगह पे वर्ड सेम है। मतलब तीनों जगह में से अगर आपने एक भी जगह याद कर लिया ना, तो आपके तीन सेक्शन पार हो जाएंगे। यकीन नहीं आता तो जिस बुक को पढ़ रहे हो उस बुक को ओपन करके देखो, तीनों जगह के वर्ड आपको क्या मिलने वाले हैं? सेम मिलने वाले हैं। बहरहाल वापस आइए, हम थे रेक्टिफिकेशन के ऊपर। रेक्टिफिकेशन किस चीज का किया जा सकता है? किसी भी ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, किसी भी इंटीमेशन का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। वापस से कहता हूं, किसी भी ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, किसी भी इंटीमेशन का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे, ऑर्डर मतलब कौन सा? ऑर्डर मतलब कौन सा सर? ऑर्डर मतलब किसी भी प्रकार का असेसमेंट ऑर्डर जो एओ ने पास किया है। ऑर्डर मतलब किसी भी प्रकार का असेसमेंट ऑर्डर जो किसने पास किया है? एओ ने पास किया है। उसको हम कहते हैं कि सर किसी भी प्रकार का ऑर्डर क्या किया जा सकता है? रेक्टिफाई किया जा सकता है। साथ साथ में इंटीमेशन भी रेक्टिफाई हो सकती है। इंटीमेशन कौन से? तीन ही प्रकार की तो इंटीमेशन है इस धरती पे, 143(1), 200A, 206CB। ये तीनों इंटीमेशन को क्या कर सकते हो आप? रेक्टिफाई कर सकते हो। सवाल दूसरा, रेक्टिफाई क्या करना है? एनी मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑर्डर या इंटीमेशन में एरर होता है तो एओ स्यूमोटो खुद होके, या दूसरा केस असेसी डिपार्टमेंट को ध्यान दिला सकता है कि आपके इस ऑर्डर में एरर है या ओमिशन है कुछ तो, और हम इसे सुधारना चाहते हैं। सो इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, 154 ओपन हो सकता है। मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि ये आंसर में आना ही चाहिए। सो एनी मिस्टेक विच इज अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आप क्या कर सकते हैं? इसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। सर रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। वापस से सवाल सुनिए, रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? मैं कहता हूं इनकम टैक्स अथॉरिटी रेक्टिफाई करेगी। अब आपके मन में दिमाग घूमना चाहिए फटाफट की रेक्टिफिकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी करेगी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहीं लिखी है क्या? अरे हाँ, लिखी थी ना 116 में, जाके याद कर 116। इसीलिए तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इसीलिए तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इनकम टैक्स अथॉरिटीज। मुझे याद दिलाओ इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कौन कौन कहां कहां से आता है। CBDT से लेकर के इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, याद आ रहा हो तो सबसे पहले CBDT, CBDT के नीचे CCIT, CIT, JC, ACDC, ITO, TRO, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, जिसने गलती की वो सुधारेगा। वापस से कहता हूं, जिसने गलती की वो सुधारेगा। जिसका मीनिंग ये है, मान लीजिए अगर एओ के ऑर्डर में कोई मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड दिख रहा है, कौन सुधारेगा? खुद एओ अपना ऑर्डर सुधारेगा। क्या उसे खुद समझ में आ जाना चाहिए? हो सके तो बहुत बेहतर, नहीं क्लाइंट आकर के बताए देयर इज अ मिस्टेक इन रिकॉर्ड, क्या ये सुधारी जा सकती है? यस, यानी ये स्यू मोटो भी हो सकता है या फिर
कोई आपको कम्युनिकेट करे तो भी हो सकता है। सो रेक्टिफिकेशन कौन करेगा, सवालों के जवाब मेरे साथ वापस दे, रेक्टिफिकेशन कौन करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स कहां अथॉरिटी कहां लिखी हुई है, 116 के अंदर। कौन सुधारेगा, जिसने गलती की वो सुधारेगा, दैट मींस द अथॉरिटी हु हैज कमिटेड द मिस्टेक वो सुधारेगा। यानी 154 में ऐसा नहीं होगा कि एओ ने गलती करी और सीआईटी सुधारेगा, हां जिसने गलती करी वो सुधारेगा। क्या स्यूमोटो होता है, आंसर इज यस, स्यूमोटो भी हो सकता है और एप्लीकेशन मेड पे भी हो सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, सर रेक्टिफिकेशन किसका होता है, सर ऑर्डर का भी होता है, इंटीमेशन का भी होता है। पांचवी चीज, रेक्टिफिकेशन सर कब तक किया जा सकता है, सर सबसे पहले तो आपको और थोड़ा डीप जाना होगा और समझना होगा रेक्टिफिकेशन कौन कर सकता है। बताइए सीआईटी ने ऑर्डर पास किया, क्या सीआईटी रेक्टिफिकेशन कर सकता है अपना, आंसर इज यस। जिसने गलती की, पहले तो दिमाग में आपको सबसे पहले यह सोचना है, इस सीआईटी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी 116 में जाइए, जवाब अगर हाँ आया तो फिर सीआईटी उस गलती को सुधार सकता है। बताइए सीआईटी अपील अपने किसी ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, आंसर इज यस, सीआईटी अपील इज ऑल्सो एन इनकम टैक्स अथॉरिटी और वो अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। बताइए क्या आईटीएटी रेक्टिफाई कर सकता है, आंसर इज नो, नॉट अंडर 154, नॉट अंडर 154। अगर आप इनकम 154 में वर्ड्स देखेंगे तो वहां पे लिखा है इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी का अगर आप देखोगे 116 है और 116 में आईटीएटी कवर नहीं है, जिसका मतलब आईटीएटी इज नॉट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 154 जो ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सके। सो क्या आईटीएटी अपने ऑर्डर रेक्टिफाई नहीं कर सकता, हाँ 154 में रेक्टिफाई नहीं कर सकता, बट इनको रेलेवेंट सेक्शन के अंदर में पावर दिया है। पावर दिखेगा आपको सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, यस पावर दिखेगा 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, जहां आईटीएटी अपने ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है। रेक्टिफाई करेगा नॉट अंडर 154 बट अंडर 254। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, कैन आईटीएटी रेक्टिफाई इट्स ओन मिस्टेक अंडर सेक्शन 154, आंसर इज नो, अंडर सेक्शन 254 सबसेक्शन 2, आंसर इज यस। ठीक है, इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बताइए क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या, अगेन आपने पहला सीधा 116 पे जंप कर देना, और यही वो रीजन है कि पहले आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़नी चाहिए और फिर इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, तो आपका लिंक जबरदस्त लगेगा। बताइए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी में थे, आंसर इज नो। जब आंसर इज नो हो गया तो सीधा आपने बोलने का है नहीं, बट क्या वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपने जवाब देना है 154 में रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर में वो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा जी बताइए सेटलमेंट कमीशन एडवांस रूलिंग क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, अगेन आपका पहला जवाब आना चाहिए, क्या ये इनकम टैक्स अथॉरिटी है। अगर आंसर में नो आया तो आपने बोलना 154 में नहीं, बट इनके रिस्पेक्टिव सेक्शंस में ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा जी सर, सर मुझे एक बात बताइए, कौन कौन से ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकते हैं, क्या 143(3) में पास किया हुआ ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है, आंसर इज यस। क्या 144 में पास किया हुआ ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है, आंसर इज यस। क्या 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का किया हुआ ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है, आंसर इज यस। सर क्या 154 का ऑर्डर फिर से रेक्टिफाई हो सकता है, मतलब बताइए एओ ने असेसमेंट करी, असेसमेंट करके रेक्टिफिकेशन ऑर्डर किया, ठीक है, उसमें फिर से मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड दिखा, क्या 154 के बाद भी 154 हो सकता है, हाँ या ना, मुझे आपका जवाब चाहिए जल्दी से, क्या 154 के बाद भी 154 हो सकता है, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताइए क्या 154 के बाद भी 154 हो सकता है, हाँ या ना। एंड द आंसर इज यस, 154 के बाद भी 154 हो सकता है, उनने कहा ऑर्डर, किसी भी प्रकार का ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर और 154 में जो आ रहा है ये ऑर्डर ही तो होंगे एओ के, और उसको आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है सर, सर वर्ड देखिएगा क्या लिखा है, जब हम वर्ड पढ़ेंगे वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, विथ अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, स्टॉप एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, रिकॉर्ड का मतलब, जी हाँ रिकॉर्ड का मतलब पे फोकस कीजिएगा, ये इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा पूछता है, एनी मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, अगर कोई भी रिकॉर्ड होगा आप उसे ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर रिकॉर्ड मतलब क्या, रिकॉर्ड मतलब नो न्यू रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मतलब होता है ऑल दोज रिकॉर्ड्स विच इज यूज्ड बाय एओ फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, विच इज यूज्ड बाय एओ और अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या हम कोई नए
नए सबूत नए एविडेंस ला करके रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? आंसर इज नो। 154 में कोई नया सबूत, कोई नया जजमेंट, कोई नई चीज नहीं आ सकती। ओनली विच इज अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो उस टाइम पे अवेलेबल था, सिर्फ वही यूज हो सकता है। सो अगेन विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीयरिंग फ्रॉम रिकॉर्ड, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी रेफर्ड इन सेक्शन 116, आपको नहीं लगता ये 116 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? यस और नो? सो May amend any order passed by it. Word क्या लिखा है? Any order passed by it or any intimation under 143(1), 200A, 206CB. मैं ना बता रहा ये तीन क्या है। What is 143(1)? Return भरने पे जो आने वाला intimation है वो। What is 200A and 206CB? TDS return, TCS return submit करने पे आने वाला intimation. So कोई भी ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है, कोई भी इंटीमेशन रेक्टिफाई हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन आता है, कौन नहीं आता, मैंने बहुत अच्छा चार्ट बना करके दिया है यहाँ पे, दो मिनट में क्लियर हो जाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन इनकम टैक्स अथॉरिटी में कवर्ड है। सर ध्यान देने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिखा है एवरीबॉडी कवर्ड इंक्लूडिंग सीआईटी अपील एंड सीआईटी इज ऑल्सो कवर्ड। सो सीआईटी अपील एंड सीआईटी इज ऑल्सो कवर्ड, बट हु इज नॉट कवर्ड इज ITAT इज नॉट कवर्ड। ब्रैकेट में मैंने वहां पे लिख करके दिया है however it can revise the order under 254 subsection 2. So 154 में ITAT अपना order revise नहीं कर सकता, पर 254 2 के अंदर में वो अपना order revise कर सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सेटलमेंट कमीशन इनकम टैक्स अथॉरिटी में कवर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते? या रेक्टिफिकेशन तो कर सकते हैं पर 154 में रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते? जवाब सिंपल है, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, 154 में रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार के ऑर्डर रेक्टिफाई करेंगे, तो हमने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी सीधी सीधी कौन कौन से ऑर्डर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला कवर है इंटीमेशन अंडर 143(1), इंटीमेशन अंडर 200A, 206CB, यानी ये तीनों क्या हो गए बॉस? इंटीमेशन। सवाल आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाएगा, बताइए इंटीमेशन को क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है? आपका जवाब क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए आपका जवाब। असेसमेंट ऑर्डर अंडर 143, 144, 147, आपको तो पता है असेसमेंट के ऑर्डर तीन प्रकार के, कौन से तीन थे? समझ आप मुझे नाम बता देंगे तो मेरे को बहुत हल्का फील होगा। 143(3) कौन सा असेसमेंट है जल्दी बताओ, 143(3) कौन सा असेसमेंट है बताओ? यस स्क्रूटनी असेसमेंट। 144 कौन सा असेसमेंट है जल्दी बताओ? यस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। 147 कौन सा असेसमेंट है जल्दी बताओ? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। वेरी गुड सर, ये तीनों के भी ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर 154, खुद रेक्टिफाइड ऑर्डर भी फिर से क्या हो सकता है? रेक्टिफाइड हो सकता है। रिवीजन ऑर्डर अंडर 263, 264, रिवीजन ऑर्डर कौन पास करता है? सर रिवीजन ऑर्डर पास करता है सीआईटी। रिवीजन ऑर्डर कौन पास करता है? सीआईटी पास करता है। तो सीआईटी ने अगर कोई रिवीजन ऑर्डर पास किया है तो यस ये भी क्या किया जा सकता है? कवर किया जा सकता है। सीआईटी अपील्स ऑर्डर अंडर 250, सीआईटी अपील इज ऑल्सो एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो जो अपना वो ऑर्डर पास कर रहा है सेक्शन 250 में वो भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। ऑर्डर पास बाय सीआईटी सीसीआईटी अंडर 1023C, 12AA और 80G, ये क्या है मैं आपको बता दूं, 1023C, 12AA और 80G। सीआईटी का एक काम होता है जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो 80G का डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं या 1023C में कवर होने वाले, इन्हें अप्रूवल देना या इनका अप्रूवल विड्रॉ करना, ये भी एक काम होता है सीआईटी का। तो इस ऑर्डर का अगर कोई रेक्टिफिकेशन करना होगा, इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीयरिंग फ्रॉम रिकॉर्ड, आप ये भी सुधार सकते हैं। ऑर्डर ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF सेक्शन 170, पार्टीशन ऑफ HUF सेक्शन 170, जब आप टैक्सेशन ऑफ HUF देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, जिनने नहीं देखा होगा मैंने इसका भी रिवीजन डाला हुआ है, टैक्सेशन ऑफ HUF आप देख लेना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है विच इज अ टोटल पार्टीशन, इसका कोई ऑर्डर AO ने पास किया है, इसमें कोई मिस्टेक है तो ये मिस्टेक भी आप सुधार सकते हैं। रिकॉर्ड मतलब कौन से रिकॉर्ड? मिस्टेक मस्ट बी अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, डज नो न्यू एविडेंस, ये एक इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या कोई नया एविडेंस लाया जा सकता है? आंसर इज नो, नो न्यू एविडेंस कैन बी फर्निश्ड ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग, रेक्टिफिकेशन कैन बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर। तो हम जब रेक्टिफिकेशन करते रहेंगे हम सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेंगे विच आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर। अच्छा जी, रिकॉर्ड्स इंक्लूड करंट रिकॉर्ड एज वेल एज प्रीवियस रिकॉर्ड ऑल्सो, बट मियर चेंज इन ओपिनियन कैनॉट बी बेसिस फॉर रेक्टिफिकेशन। ये लाइन हमने कहीं और भी पढ़ी हुई है, बिल्कुल सही 147 में ये लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी। 147 के बेसिस पे क्या आपका रीअसेसमेंट हो सकता है? आंसर इज नो,
ठीक उसी हिसाब से पहले आपने कोई डिडक्शन अलाउ कर दिया, अब मूड हो रहा है कि चलो हम एक काम करते हैं 154 ओपन करते हैं और मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बता करके डिसअलाउ कर देते हैं, नहीं चलेगा। 154 तभी ओपन हो सकता है व्हेन देयर इज एन एविडेंस दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज एरोनियस, देयर इज समथिंग वेयर मिस्टेक इज अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, जो देख के ही पता चल सकता है। याद रखें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा कोई क्लियर एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये चीजें मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के अंदर ही कवर होगी, ऐसी कोई क्लियर एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी सर, मान लीजिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इंस्टीट्यूट ने करीब 3 बार से 4 बार पूछा है आपको। दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आपको दिखते हैं इंडिया सीमेंट्स के वर्सेस सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स है। कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स किस बारे में है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कोई एओ ने कोई डिडक्शन क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया या लेट से अलाउ कर दिया, इवन अदरवाइज दोनों में ये वर्क करता है। सो लेट से कोई डिडक्शन था जो अलाउ कर दिया, लेटर ऑन इसके ऊपर आता है कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ। सवाल एक, क्या इसे मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मान करके, मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मान करके 154 ओपन करके क्या आपके चेंजेस किए जा सकते हैं टैक्स के अंदर में, हाँ या ना? दो केसेस आए, पहला आया इंडिया सीमेंट्स जो कहता है नो, लेटर ऑन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ आता है, दिस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर ओपनिंग 154, बिकॉज 154 सिर्फ तभी हो सकता था व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ आया उस टाइम ये रिकॉर्ड्स में नहीं था, और जब वो रिकॉर्ड्स में उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो 154 होना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कहता था इंडिया सीमेंट्स, जो बात सही है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से आती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट का जब भी ऑर्डर आता है इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन एक्ट हैज स्टार्टेड, ये तब से एप्लीकेबल हो जाता है जब से एक्ट चालू हुआ है। उसी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव, ये आप मेरे साथ क्या करेंगे इंटरनेशनल टैक्स में वियना कन्वेंशन में बहुत शानदार तरीके से मैं बताता हूं कि वियना कन्वेंशन पढ़ते वक्त वन ऑफ द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज कि कोई भी लॉ जब लाया जाता है वो प्रस्पेक्टिव होता है अनलेस एंड अंटिल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज गिवन, जिसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई लॉ आपको रेट्रोस्पेक्टिव बोल रहा है इसका मतलब लॉ अज्यूम कर रहा है कि ये लॉ उस दिन से आ गया। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि इफ देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेटर ऑन और देयर इज अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ, दे आर रिकॉर्ड बीइंग पार्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द रेक्टिफिकेशन कैन बी डन। सो सवाल वापस से एक बार रिपीट कर दूं, सवाल था कि बताइए क्या लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ के बेसिस पे क्या रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। इंडिया सीमेंट्स कह रहा था आंसर इज नो, क्योंकि ये दोनों उस टाइम पे रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है और 154 क्लियर कट कह रहा है देयर शुड बी मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या, रिकॉर्ड का मतलब वो जो असेसमेंट के लिए अवेलेबल होगी, इसके अलावा हम किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं मानेंगे, राइट। जबकि सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज का कहना था कि नहीं ये होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉ की एप्लीकेबिलिटी उस दिन से आ जाती है जिस दिन से लॉ आया था, या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ है तो लॉ का इंटेंशन क्लियर है उस दिन से अप्लाई करवाना। सो ऐसे केसेस में ये होना चाहिए। अब सवाल एक, जब ICAI एग्जामिनेशन पूछे, क्योंकि आपको तो मालूम है हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ता है, आंसर तीन ही प्रकार के होते हैं, राइट रॉन्ग ICAI, फॉलो क्या करना है ICAI, ना राइट ना रॉन्ग, ओनली ICAI, आंसर तीन ही प्रकार के होते हैं। तो सवाल उठता है कि सर आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, या इंस्टीट्यूट हमें सीए फाइनल लेवल पे CMMA CS में अगर पूछती है तो हमने क्या लिखना है इसके अंदर में। मैं आपको बता दूं आपको क्या लिखना है, सर आपको यहां पे लिखना है दोनों। सर क्या, हाँ दोनों। आप अगर इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में आंसर खोल के बैठेंगे, देखिए सर आई फर्मली बिलीव कि मॉड्यूल के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए गीता है, राइट। दो सीए फाइनल में 4 मॉड्यूल DT के हैं एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम पूरा पढ़ें, पर आंसर तो हम वहां से डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। सी प्रोविजन बहुत ह्यूज हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगी अगर आप 4 मॉड्यूल पढ़ने जाएंगे तो, बट ऑफकोर्स हमें आंसर्स तो उसी हिसाब से टैली करने होंगे। इंस्टीट्यूट में आप जब उठा करके देखोगे या पास्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स उठा करके देखोगे तो उन्होंने इन दोनों केसेस को रेफर किया है।
आंसर लिखते वक्त सबसे पहले उनने इंडिया सीमेंट्स को दिया है, फिर उनने उसको राष्ट्रकच स्टॉक एक्सचेंज दिया है, और नीचे कंक्लूजन देते हुए सौराष्ट्र कच्छ का कंक्लूजन एक करेक्ट कंक्लूजन बताया गया है। तो आप भी जब आंसर लिखेंगे तो आपको तीनों वहां पे देने पड़ेंगे, पहले इंडिया सीमेंट्स का लिखना पड़ेगा, फिर सौराष्ट्र कच्छ लिखना पड़ेगा, और फिर आईसीआई लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे नोट्स में एज इट इज जो आंसर था वो उठा करके यहां पे रख दिया। नोट्स को देखिएगा एक बार, चेक कीजिए सर ध्यान से। CIT versus India Cements Limited, where AO passed the assessment order on settled lot decision on the date of assessment, and subsequently a Supreme Court decision was given against the assessee. Law was amended retrospectively. Rectification cannot be done as there was no mistake apparent from record. However, contrary decisions are available as per Saurashtra Kutch Stock Exchange. As per ICI, subsequent decision of court, a mistake arising as a result of subsequent interpretation of law would also constitute an error apparent from record. और जैसा कि मैंने कहा, जब आप ICAI का सॉल्यूशन देते रहेंगे प्रभु, आपको क्या करना है, इंडिया सीमेंट्स भी कोट करना है, सौराष्ट्र कच्छ भी कोट करना है, दोनों का आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां तक के हम लोगों ने कौन कौन सी बातें करी, मुझे फटाफट जवाब चाहिए आप सभी लोगों से। बताइए कौन रेक्टिफिकेशन कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन नहीं आता, ITET आता है नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेटलमेंट कमीशन नहीं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं, कोई नहीं आता जो 116 में नहीं लिखा है। सीधे शब्दों में बात, क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है। रिकॉर्ड मतलब वो जो असेसमेंट के टाइम पे अवेलेबल हो, क्या सुप्रीम कोर्ट का लेटर ऑन जजमेंट, हाई कोर्ट यू नो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ, इसके बेसिस पे 154 किया जा सकता है। इंडिया सीमेंट्स कहता है नो, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज कहता है यस, इसके बेसिस पे किया जा सकता है। कौन अपनी गलती सुधारेगा भाई, जिसने गलती की वो सुधारेगा, हम क्यों सुधारते बैठे। डन, चलिए आइए अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। ये हमने कहीं पे और भी पढ़ा है, हाँ हमने 147 में पढ़ा है, 147 भी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर कहता है, और 154 भी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर में उन लोगों को फिर से एक बार बता दूं जो आज पहली बार आए हैं हमारे डिस्कशंस के अंदर में, वापस देख लीजिए सर। मान लीजिए कोई असेसिंग ऑफिसर है, इसने 1, 2, 3, 4 ये चार एक्सपेंडिचर जो थे इसे क्या कर दिए, डिसअलाउ कर दिए, इसे क्या कर दिए, डिसअलाउ कर दिए। चलिए इन 3 और 4 को लेकर के, इन 3 और 4 को लेकर के आप किधर चले गए, इन 3 और 4 को लेकर के आप चले गए CIT अपील्स के अंदर में। लेटर ऑन कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है जो कहता है ये एक्सपेंडिचर तो अलाउ था, असेसी भागते भागते एओ के पास गया, एओ को कहा हे एओ देख सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि क्या करना है, रेक्टिफिकेशन अब करना पड़ेगा, तो चलो 1 और 2 को रेक्टिफाई करो। यहां एओ बोलता है कि नहीं, क्या हो चुका है, एओ का ऑर्डर हायर अथॉरिटीज के साथ क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। 154 कहता है जो मर्ज हुआ है वो सिर्फ 3 और 4 है, 1 और 2 पे रेक्टिफिकेशन अब भी हो सकता है। एंड देयर फॉर पार्शियल मर्जर 154 के अंदर भी आया, जिसने कहा आप वो पार्ट का रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते जो अपील में चले गया है या रिवीजन में चले गया है, लेकिन जो पार्ट अब तक अपील में नहीं गया, रिवीजन में नहीं गया, उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन अब भी हो सकता है। तो जी हाँ, जैसा 147 वैसा ही 154 भी आ गया, राइट। सो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर यहां पे भी वर्क करता है, आंसर इज यस। 154 में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अप्लाई करता है, मतलब अगर 1, 2, 3, 4 चार एक्सपेंडिचर थे जो एओ ने डिसअलाउ कर दिए थे, 3 और 4 कहां चले गए, CIT अपील के पास चले गए, 1 और 2 पे अब भी रेक्टिफिकेशन कर सकता है कौन, एओ, जिसने गलती की वो सुधारेगा। वर्ड देखिएगा, वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे, आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो डजंट मैटर, क्योंकि सब के अंदर ये लिखा होगा। सो इफ अ मैटर इज डिसाइडेड इन अपील और रिवीजन, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, सो दैट सिंपल, एनी मैटर कैन बी रेक्टिफाइड एक्सेप्ट द मैटर दैट इज डिसाइडेड इन एनी अपील और रिविजन। सो अब तक हमने दो सेक्शन में पढ़ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर 147 में भी वर्क कर रहा है, 154 में भी वर्क कर रहा है, राइट। सो अगर आपसे कोई पूछता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर कहां कहां अप्लाई कर रहा है, रात में अगर कोई उठा के तुमसे पूछ ले, बता देना 147 और 154 दोनों जगह पार्शियल मर्जर अफर्म हो रहा है, ठीक
ठीक है, हु कैन रेक्टिफाई, एकदम चिल्लर सवाल आप लोगों के सामने, हु कैन रेक्टिफाई, एनी बडी, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज मेड द मिस्टेक कैन रेक्टिफाई, लोअर का क्या हायर अथॉरिटी रेक्टिफाई करेगा? आंसर इज नो. सो द अथॉरिटी डूइंग रेक्टिफिकेशन शैल बी सेम हु कमिटेड द मिस्टेक. ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन. अगर रेक्टिफिकेशन हुआ तो इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है? लॉजिकली देखा जाए तो तीन इंपैक्ट हो सकते हैं. या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ये तभी हो सकता है जब एओ कर रहा होगा रेक्टिफिकेशन कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से. हो सकता है कि सिर्फ चीजें सेम हुई हो, कुछ नाम वगैरह या एड्रेस वगैरह कुछ बदला होगा, लाइबिलिटी रिमेन सेम. तीसरा, हो सकता है आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए. सर क्या 154 में आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. मान लीजिए सुप्रीम एओ ने क्या कर दिया, कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया, लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया कि चलो रेक्टिफिकेशन के तहत इसको क्या करो, अलाउ करो, आप तो चल जाओगे, बोलोगे सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज कहा था दिस इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, इसे सुधारो, आप तो चले जाओगे. आपकी लाइबिलिटी क्या रिड्यूस करेगा? वो ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा. सर तो फिर हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपको वापस से उसके पास जाना होगा और रिफंड एप्लीकेशन मांगना होगा. रिफंड एप्लीकेशन के थ्रू आपका काम हो जाएगा. मेरा सवाल, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, आपको नहीं लगता उसने आपको OOBH देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए? आंसर इज यस. कोई भी ऑर्डर, स्पेशली डिमांड ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट बनता है. एंड यस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन? इंक्रीज इन लाइबिलिटी और रिडक्शन इन रिफंड. रिडक्शन इन रिफंड भी आपका लॉस ही हुआ. ऐसे केसेस में OOBH मस्ट हो जाएगा. जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं व्हाट इज OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सी, डायरेक्ट एक्सेस में बहुत कुछ है. हम अगर इतने सारे वर्ड एक साथ लिखने जाए ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक लाइन यहीं खत्म हो जाती. OOBH, शॉर्ट स्वीट. आप जो चीज समझ सकते हो और फाइनल लेवल पे हो मेरे भाई, फाइनल लेवल पे आपको इतनी चीजें ऑटोमेटिकली क्लिक करनी चाहिए. सेम लाइबिलिटी रही, ओनली रेक्टिफिकेशन इज मेड एंड ऑर्डर इज इशूड, काम खत्म. सर रेक्टिफिकेशन हो सकता है एड्रेस गलत दिया हो, मैंने पैन एप्लीकेशन के अंदर में मेरा एड्रेस चेंज किया था, वो सही नहीं है. लाइबिलिटी कहीं चेंज नहीं हो रही, सिर्फ मामूली सा रेक्टिफिकेशन है, कर दिया जाएगा. रिड्यूस द लाइबिलिटी एंड इंक्रीज द रिफंड. हो सकता है आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, तो ऐसे केस में आपको रिफंड क्या कर दिया जाएगा? इशू कर दिया जाएगा, इमीडिएटली ग्रांट कर दिया जाएगा. चलिए, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं. रेक्टिफिकेशन कब तक किया जा सकता है? बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए. रेक्टिफिकेशन कब हो सकता है? या तो आप खुद होके कर सकते हो, या तो आपको एप्लीकेशन की जाएगी तब आप करोगे. वापस से, रेक्टिफिकेशन कब किया जा सकता है? या तो आप खुद होके कर सकते हो, या तो आपको क्या किया जाए, एप्लीकेशन किया जाए. अगर आप खुद होके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, खुद होके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, तो यू हैव टू डू इट विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर ऑट टू बी रिवाइज्ड वाज पास्ड. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ऑर्डर पास हुआ 18-19 के अंदर में, तो रेक्टिफिकेशन कब हो सकता है? जिस साल में ऑर्डर पास हुआ वहां के एंड से 4 साल, 18-19 के एंड से 4 ईयर्स, 19-20, 20-21, 21-22, 23-24, 4 साल के अंदर में एओ खुद होके स्यू मोटो रिवाइज कर सकता है. आपको अब तक क्लिक नहीं हुआ ये चार कहीं से आपको कोरिलेट कर रहा है? कहां से कोरिलेट कर रहा है? 147 में भी प्रिलिमिनरी जो हम लोग असेसमेंट कर रहे थे, या प्रिलिमिनरी इनकम रीअसेस कर रहे थे, वो कितने साल के लिए थी? 4 साल. वापस एक चीज से कनेक्ट करता हूं, 142(1) में कितने साल के लिए इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है? 3 ईयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर. वहां से भी तो ये चार कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई 4 ईयर्स. सो अगर स्यू मोटो करना चाहता है तो 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास्ट. ऑर्डर ऑट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास्ट. अगर किसी ने आपको एप्लीकेशन दी, तो कितने दिन में आप सुधारेंगे? अगर एओ ने एप्लीकेशन दी तो यू हैव टू डू इट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड. 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड. सो मान लीजिए अगर एप्लीकेशन आपको अप्रैल मंथ में आई, तो अप्रैल मंथ के एंड से 6 मंथ, दैट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक के ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए. तो वापस से, स्यू मोटो है तो 4 इयर्स, नहीं तो 6 मंथ्स के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करनी पड़ेगी. ठीक है, अच्छा जी सर, बहुत सही जा रहे हैं. इसी के ऊपर एक हिंद वायर्स का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है,
बहुत ज्यादा श्योर हूं ये आएगा ही। 154 में अगर कुछ पूछेगा ना तो मैं कहता हूं ये चीज पूछेगा आपसे, हिंद वायर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेरे को मई 20 नवंबर 20 वालों के लिए काम का लग रहा है। वापस से सुनिए, आपको तो पता है क्या एक बार ऑर्डर रेक्टिफाइड हुआ क्या इसके बाद फिर से रेक्टिफाइड हो सकता है, हाँ या हाँ में जवाब दीजिएगा, हाँ या हाँ। एक बार 154 हुआ क्या दोबारा 154 हो सकता है विद इन द टाइम लिमिट जो हमने बताई 4 साल या विद इन एप्लीकेशन, आप मुझे बताइए। क्या एक बार रेक्टिफाई हुआ फिर से रेक्टिफाई हो सकता है, हाँ या ना? मुझे अब तक जवाब नहीं आया, जल्दी से बता मेरे भाई। बाकी आपके जो भी सवाल है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ मुझे हरप्रीत जी ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे यज्ञेश जी ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे कपिल जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। आप बिलीव रखें मेरे ऊपर, आप लोगों हरप्रीत जी आपको पता है आप इसके पहले भी सेशन में आ चुकी हैं, आपको पता है कि मैं आपके जवाब सवालों का जवाब दे दूंगा एंड में। मुझसे अभी सवाल ना करें, आपके सवाल लिख के रखें, मैं कंफर्म आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। सो जवाब आता है गोविंद जी से यस, राहुल जी से यस, शिवम जी से यस, सभी लोग, खुशबू भी कह रही है यस, श्री भी कह रहे हैं यस, आरव कह रहे हैं यस, रिशु कह रही है यस, और आपका सवाल का जवाब है आंसर इज यस। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा जो हिंद वायर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में गया। मान लीजिए एक ऑर्डर है राइट 143(3) में असेसमेंट हुआ, इसका रेक्टिफिकेशन हुआ 154 के अंदर में, डन। 154 के ऑर्डर में हमें कोई मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मिला और इसे फिर से रेक्टिफाई करना है। अब आपको तो पता है अगर रेक्टिफिकेशन एओ स्यू मोटो करना चाहता है तो विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास होना चाहिए, हाँ या हाँ? हाँ। अब सवाल उठा ये 4 साल गिनना कहां से है, 143(3) से या रेक्टिफाइड ऑर्डर से? अगेन फ्रेश ईयर 4 साल मिलेंगे। हिंद वायर ने इस बात को क्लियर किया, जवाब पढ़िए। इफ रेक्टिफिकेशन अगेन एंड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इज पास्ड, टाइम लिमिट शेल बी कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टिफाइड ऑर्डर एंड नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर। जिसका मतलब हिंद वायर इंडस्ट्रीज में कहा गया कि अगर एक बार ऑर्डर रेक्टिफाइड हो गया है और फिर से इस ऑर्डर को रेक्टिफाई करना है तो जो फ्रेश पीरियड रहेगा वो मिलेगा, यानी इस ऑर्डर से एक नया फ्रेश पीरियड आपके साथ चालू हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो ये